हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सिटल ज्ञान चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंक सीडिंग कैसे करें और उसमें बैंक अटैचमेंट कैसे लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मुझे जाना होगा रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप पे जाने के बाद में आपको सिंपली सर्च के आइकन पे जाना होगा। सर्च के आइकन पे जाने के बाद में आप यहाँ पे अपनी रिलेशनशिप आईडी या कंज्यूमर नंबर डाल के इंटर प्रेस करेंगे। तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो आपको सिंपली लास्ट नेम पे जाके क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लास्ट नेम पर जाएंगे तो आपको एक पॉपअप डिस्प्ले ओपन होगा, और उसके बाद में आप उसमें सबसे ऊपर नीचे करेंगे तो थोड़ा ऊपर से स्लाइड करके देख लेंगे। उसके बाद थोड़ा बीच में आएंगे तो आपको एक आइडेंटिटी के बगल में प्रोफाइल एसआर का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा कि आप पहले भी बैंक सीडिंग में करते थे। वैसे सेम आपको करना है, बस थोड़ा अटैचमेंट का फ़र्क हो गया है। तो प्लस का सिंबल ले लेंगे एसआर प्रोफाइल में। उसके बाद में आपको ट्रांजैक्शन टाइप में जाना होगा। ट्रांजैक्शन टाइप में जाने के बाद में आपको सर्च करना होगा बैंक सीडिंग, और बैंक सीडिंग पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोफाइल एसआर नंबर हाइपर लिंक पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद में आपसे यहाँ आपका बैंक नेम, आईएफएससी, अकाउंट नंबर, इंटर अकाउंट नंबर, और उसके बाद में अकाउंट पर नेम क्या है, वो सारी चीज़ें जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में दिया गया हो वैसे सेम फिलअप कर लेना है। फिलअप कर लेने के बाद में अब नीचे आपको आना होगा। प्लस का सिंबल एक रेड टाइप का डिलीट करने का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके बगल में आपको नीचे प्लस का सिंबल दिख रहा होगा, इस पर प्लस सिंबल पे क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी जोड़नी पड़ेगी, तो आप सिंपली यहाँ पे आप आइडेंटिटी टाइप को सेलेक्ट कर लेना है। इसमें आपको अगर POI और POI प्लस POA दोनों प्लस साथ से एक जोड़े अटैचमेंट करेंगे तो आपको एक अटैचमेंट लगाने पड़ेंगे, नहीं अन्यथा दो डॉक्यूमेंट। तो मैं POI प्लस POA सेलेक्ट करके आप आधार जोड़ सकते हैं, वोटर आईडी जोड़ सकते हैं, या राशन कार्ड जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो मैं सिंपली आपको समझाने के लिए वोटर आईडी पे क्लिक कर लेता हूँ। तो चलिए हम वोटर आईडी पे क्लिक कर ले रहे हैं। क्लिक कर लेने के बाद में आपको सिंपली वोटर आईडी नंबर डाल देना है। इसमें वोटर आईडी नंबर डाल देने के बाद में आपको यहाँ पे अपने आई नंबर को फिलअप कर देना है, उसके बाद कंट्रोल एस से सेव कर देना है। उसके बगल में आपको स्टेट शो हो रहा होगा किस बैंक या किस राज्य से हैं आप, तो आपको इसमें स्टेट डाल देना है अपना। स्टेट डाल देने के बाद में आपको सिंपली अटैचमेंट ऐड करना है। तो चलिए मैं आपको अटैचमेंट ऐड करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से जाएंगे आप और चूज करेंगे अपनी प्रोफाइल। तो जैसा कि मैं यहाँ से आप जो भी अटैचमेंट लगा रहे होंगे, चाहे आधार लगा रहे होंगे, चाहे राशन कार्ड की फ़ोटो कापी या वोटर आईडी कार्ड कापी, आप यहाँ से लगा सकते हैं। लगा लेने के बाद में चेक इन पर क्लिक करेंगे और देखेंगे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, और उसके बाद में आप सबमिट एसआर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका बैंक अप्रूव्ड हो जाएगा यप्फू के लिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही HDMS टेक और एक्सेल की वीडियो लाते रहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।